हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल क्रिएटिव फूडलैंड में स्वागत है। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कलाकंद। ये बहुत ही मॉइस्ट, डिलीशियस और टेस्टी मिठाई है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मैं आपके साथ छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की टिप्स शेयर करूंगी, जैसे नींबू को कैसे डालना है, शक्कर को कब डालना है, केमिकल और व्हाइटनर का यूज किए बिना आप दानेदार और सफेद कलाकंद कैसे बना सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनका यूज करके आप बिल्कुल परफेक्ट मार्केट की तरह कलाकंद बना सकते हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें, कलाकंद को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका कलाकंद कैसा बना। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अमूल का फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भैंस का दूध लें, गाय का नहीं, क्योंकि गाय का दूध बहुत पतला होता है। सबसे पहले हम दो बर्तन लेंगे, एक बर्तन में हम छेना बनाएंगे और दूसरे में हम दूध को गाढ़ा करेंगे। तो हम आधा दूध एक बर्तन में डाल लेते हैं और बचे हुए आधे दूध को हम दूसरे बर्तन में डालेंगे। अब हमने दूध को गाढ़ा होने के लिए गैस पर रख दिया है। हम इसे जब तक उबालेंगे जब तक ये हाफ ना बचे। आप इसे बीच बीच में हिलाते रहिए जिससे किनारों पर ना चिपके। हमने दूसरे बर्तन को भी गैस पर रख दिया है और हम दूध में एक उबाल लेंगे। जब हमारे दूध में उबाल आ जाएगी तो हम गैस को बंद कर देंगे। हम बीच बीच में जो हमने दूध गाढ़ा होने रखा था उसे हिलाते रहेंगे। हमें ध्यान रखना है कि तली में ना चिपके। देखिए, हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट ठंडा करेंगे, जब तक हम आधी नींबू का रस निकाल लेते हैं। हमें इसे इसी तरह डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, इसे हम पानी के साथ डाइल्यूट करके यूज़ करेंगे। देखिए, हमने नींबू का रस ले लिया है और इसे धीरे धीरे कर दूध में डालते जाएंगे और दूध को हिलाते जाएंगे। दो से तीन मिनट में हमारा छेना अलग दिखाई देने लगेगा, पानी अलग हो जाएगा और छेना अलग हो जाएगा। आप इसे कंटिन्यू हिलाते रहें और ध्यान रखें गैस की फ्लेम बंद रहे। अगर गैस की फ्लेम ऑन रहेगी तो हमारा छेना हार्ड हो जाएगा, हमें सॉफ्ट छेने की ज़रूरत है। अब हम एक बर्तन लेंगे और उस पर एक कपड़े को रख लेंगे। आप छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा छेना बना हुआ है उसे अच्छे से छानेंगे। आप इस वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमें छेने को बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है, हमें इसे हल्के हाथों से दबाकर इसका पानी निकालना है। अगर हम बहुत ज़ोर से दबाएंगे तो हमारा छेना हार्ड हो जाएगा पनीर की तरह, और हमें हार्ड छेना नहीं चाहिए, हमें बहुत ही सॉफ्ट छेना चाहिए। और जो बचा हुआ पानी है आप इससे आटा गूंथ सकते हैं। देखिए, हमारा छेना बन गया है लेकिन ये अभी रेडी नहीं है, इसमें भी नींबू की खटास है। अब देखिए कितना सॉफ्ट है। खटास को दूर करने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। हमें इसे पानी से अच्छी तरह से धोना है कि इसमें जो खट्टापन है वो पूरा अलग हो जाए। आप इसे हाथों से अच्छी तरह से दबा दबा कर धोएं और इसकी सारे खट्टेपन को निकाल। देखिए, हमारा छेना बनकर अब रेडी है। हम छेने को हाथों की मदद से बारीक बारीक तोड़ लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, हमें इसे हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अब हमारा दूध आधे से भी कम बचा है, ये परफेक्ट है, और इसमें छेने को डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे जिससे हमारा छेना और दूध अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप इसे लो फ्लेम पर पकाएं। अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो हमारा कलाकंद नीचे से चिपक सकता है, इसका कलर भी डार्क हो सकता है।
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसमें शक्कर पहले नहीं डालेंगे। जब हमारा दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें शक्कर डालेंगे। आप शक्कर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप पहले शक्कर डाल देंगे तो ये चाशनी की तरह चिपचिपा हो जाएगा और हमें ऐसा कलाकंद बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप शक्कर को तभी डालें जब हमारा दूध गाढ़ा हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे इलायची और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसे अब कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। देखिए हमारा कलाकंद गाढ़ा होने लगा है, पर अभी ये परफेक्ट नहीं बना है। हमें इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है जिससे इसमें ये जो दूध है वो बिल्कुल भी ना रहे। अगर इसमें दूध रहेगा तो इसका प्रॉपर शेप नहीं आएगा, जैसे हम कलाकंद बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बनेगा। अब हमारा ये कलाकंद बनकर रेडी है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें अपने कलाकंद को जमाएंगे। हमने सारे कलाकंद को डाल लिया है। आप इस बात का ध्यान रखिए हमें गरम गरम कलाकंद जमाना है, इसे हमें ठंडा नहीं करना है। ठंडा हो जाएगा तो हम इसको प्रॉपर शेप नहीं दे पाएंगे। आप चम्मच से दबा दबा कर शेप दें और जिसकी चाशनी निकल रही है उसके ऊपर ही डाल दें। देखिए मैंने इसे प्रॉपर शेप में दे दिया है। मैं पिस्ते को बारीक चॉप कर इसके ऊपर डालूंगी। आप चाहें तो बादाम या अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब हम इसे चम्मच की मदद से दबा लेंगे जिससे जो हमारे पिस्ते हैं वो अच्छी तरह चिपक जाएं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे। आधे घंटे बाद हमारा कलाकंद सेट हो चुका है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। टेस्टी दानेदार सफेद कलाकंद बनकर रेडी है। अब हम एक सर्विंग ट्रे में अपने कलाकंद को निकाल लेंगे और इस टेस्टी टेस्टी कलाकंद को एंजॉय करेंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और अब आप भी ये जान गए हैं इसे बनाना कितना आसान है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप छेना बनाएं तो उसमें नींबू ज्यादा ना डालें, इससे क्या होगा आपका छेना बहुत च्यूई बन जाएगा। आप मार्केट से पनीर भी ला सकते हैं लेकिन घर का बना फ्रेश छेना हमारे कलाकंद को बहुत ही डिलीशियस टेस्ट देता है। सेकेंड चीज ये है आप इसे लो फ्लेम पर पकाएं, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर ना पकाएं, इससे आपका कलाकंद डार्क हो सकता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगे कि आपका कलाकंद हार्ड हो चुका है तो टेंशन ना लें, बस कुछ ड्रॉप्स ऑफ मिल्क इसमें ऐड करें, इसे कुक करें, आपका कलाकंद फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।